मैं कुछ नहीं भूली, लेकिन हमाद मुझे जरूर भूल गए। पता नहीं उन्हें हो क्या गया, हर वक्त जब देखो गुस्सा नाक पे बैठा होता है। कोई सवाल करो तो जवाब नहीं आता, बात करूं तो मुंह फेर लेते हैं, झूठ पे झूठ कहते रहते हैं। तुमने भी देखा है घर में कैसे मुंह लटका के घूमते रहते हैं? पता नहीं क्या हुआ, मुझे लगता है जैसे ना फुरकान ने मेरे बारे में कान भरे हैं हमाद के। तकलीफ हो रही है तुम्हें? तुम्हें तकलीफ हो रही है? तुम तो तकलीफ देने वालों में से होना रहे था। मैं ना तुम्हारे बारे में सब समझ चुका हूं। ये सब तुम्हारी चाल थी ना, पहले तुमने फुरकान के साथ मिलकर नाज़नीन पर इल्जाम लगाया, उसे रुस्वा करके यहां से बाहर निकाला, और अब उसकी जगह पर बैठी हो। हम ये छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना बाबा की तरह। हमाद का रामीन की जिंदगी में मौजूद होना बहुत जरूरी है, और अगर ऐसा ना हुआ तो हमाद से मिलने के बाद उससे मिलने की बार बार जिद करेगी तो उससे क्या होता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, तुम हमाद को नहीं जानती, वो मुझसे मेरी बच्ची छीन लेगा।